मेरे चैनल सुमंजू नेचुरल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर की, स्किन केयर की। मैंने वीडियो बहुत सारी डाली है और आप लोगों ने देखा भी है, तो आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर की। क्योंकि ऊपर से जितना भी हम फेस पे लगाते जाएं वो थोड़ी बहुत तो फर्क देती ही देती है। इसके साथ साथ अगर हम बॉडी में डालें, बॉडी के अंदर अगर डालें, तो वो एक्स्ट्रा आपको ग्लोइंग देगा और नेचुरली ग्लोइंग देगा। जो भी हमारी शाइनिंग आएगी, ब्राइटन आएगी, लाइटन आएगी, वो हमारे बॉडी की बिल्कुल ही नेचुरली होगी। क्योंकि बहुतों की शिकायत होती है कि हम इतना फेशियल कराते हैं, उपटन लगाते हैं, क्लिंजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं और मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, फिर भी फेस पे बिल्कुल ही ग्लो नहीं है, ब्राइटन नहीं है, लाइटन नहीं है। तो उसका एक ही कारण हो सकता है, हमारी अंदरूनी कमी। अगर हमारे शरीर में अंदरूनी कोई भी कमी है या फिर हमारा शरीर डिटॉक्स नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा डाउन होता है। तो आज हम कुछ खाने और खिलाने की बात कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही खास चीज़ की बात कर रहे हैं जो सबके घरों में इजीली अवेलेबल होती है, और इसे कैसे यूज करना है, इसे कब खाना है, कितना मात्रा में खाना है, मतलब बहुतों को डाउटफुल होती है। तो मैं इसी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें शेयर करने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सौंफ की। ये सौंफ है जिसे खाने के बाद हमेशा इसे खाया जाता है, और कई लोग आज भी इसे फॉलो करते हैं अपने डाइट रूटीन में। इसे खाने के बाद हमेशा इसे खाते हैं, क्योंकि ये खानों के बहुत ही जल्दी हजम करता है, बहुत ही इजीली डाइजेस्ट करता है। इसे खाने के साथ साथ इसे फेस पे भी लगा सकते हैं। और इसे कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और इसे फेस पे कैसे लगाना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है सौंफ, जिसे फिनेल सीड भी कहा जाता है। ये बहुत ही गुणकारी होता है, खासकर खाना के बाद इसे ज़रूर खाना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करता है। और ये धागे वाली मिश्री है, इसके साथ मिलाकर अगर खाएँ तो इसका गुण और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मिश्री में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने का शक्ति होता है। और सौंफ में पोटेशियम, सोडियम, आयरन और कैल्शियम जैसे कई खनिज तत्व पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आंखों से पानी आ रहा हो तो सौंफ का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ हमने यहाँ पर लिया है 8-10 बादाम की गिरी। अगर सौंफ खाना पसंद नहीं है तो उसे हम इस तरह से तैयार करके इसका यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा होगा तो हमारा नेचुरली ग्लोइंग चेहरे पे साफ दिखेगा। एक और खास बात, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा यूज होने के कारण और मोबाइल पे ज़्यादा तक टाइम देने के कारण आजकल आँखों में पानी आना बच्चों में आम समस्या हो गई है। तो उन्हें ये सौंफ जरूर खिलाएं और ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर बादाम नहीं डालना चाहते हैं तो उसके जगह पे ये सूखी अदरक, जिसे सौंठ कहा जाता है, डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम, सौंफ और मिश्री का पाउडर बना लिया है। बिल्कुल ही बारीक डस्ट इस तरह से इसे तैयार करना है। और इसे कैसे यूज करना है ये भी देख लेते हैं। इसे आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, दूध में डालकर यूज कर सकते हैं, लस्सी में यूज कर सकते हैं, दही में इसे डालकर खा सकते हैं। यहाँ पर मैं दूध बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। दूध में 1 चम्मच ये पाउडर जो तैयार किया है सौंफ वाली, इसमें हम डाल करके 1 उबाल आने तक इसे हम उबाल लेंगे। सौंफ दिमाग को ठंडा भी रखता है और तेज भी बनाता है। बादाम भी दिमाग को तेज बनाता है। मिश्री एनर्जी देता है और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बढ़ाता है। ये रेडी हो गया है, आप इसे सोने से पहले जरूर पिएं। तो चलिए
अब थोड़ा हम चेहरे को ऊपर से भी चमका लें, वही सौंफ लिया और इसके साथ ये जौ लिया है जो मार्केट में इजली मिल जाती है। अगर ना मिले तो इसके जगह पे ओट्स यूज कर सकते हैं, फ्लेवर वाली नहीं, बिल्कुल सादी ओट्स। तो ये जौ का पाउडर मैंने तैयार करके पहले से रखा हुआ था और इसका हम फेस पैक तैयार करेंगे। इसे हम लेंगे 1 से 2 चम्मच, अपने फेस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सादी सौंफ की जगह ये जो मिश्रण तैयार किया है सौंफ वाला, यही मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके जगह पे सादी सौंफ का पाउडर इस तरह से बनाकर इसमें इसे मिक्स कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे रोज वाटर। आप इसकी जगह पे चाहें तो सादा पानी या फिर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब शहद, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें, नहीं तो स्किप कर दें। ये पैक बहुत ही अच्छा होता है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये पैक रेडी हो गया है और अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले अपने फेस को क्लीन कर लें, किसी चीज़ से भी क्लीन कर लें, फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ठंडा दूध से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हम पैक लगाएं उसका सारा असर मेरे फेस पे बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। और अब इस तरह से इस पैक को हम पूरे फेस पे कवर कर लेंगे, मोटा परत लगा लेंगे। और इसे अब हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गया है और अभी इसे हम धो लेते हैं। बिल्कुल बेबी स्किन जैसा सॉफ्ट हो गया है, आप टच करके देखें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रिजल्ट आपके सामने है, कुछ भी नहीं लगाया। अब देखिए मेरा फेस। तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए मैं जूम करके थोड़ा दिखाती हूँ, बिल्कुल साफ और बिल्कुल ही फेयर। आप चाहें तो इसके बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।